हेलो एवरीवन, आई एम एन ज्योग्राफी टीचर इन आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैसियरगढ़। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई वेलकम यू टू ऑल जॉइन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप सी यू सून इन क्लासेस। स्टे होम, स्टे सेफ। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट चैप्टर फर्स्ट हमारा है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विश्व क्षेत्र। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर किए थे हमने पिछले क्लास में, ऑप्शनल और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 150 वर्ड्स के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है जो है मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव है वो प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है उसकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे आरंभिक, इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक अवस्था में मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशें महत्वपूर्ण थी। शुरुआत हुई थी उस टाइम क्या थी, पर्यावरण की बंदिशें महत्वपूर्ण थी। मानव पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित था। मानव क्या था, अपन ने जो लेसन रीड किया था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि मानव है, मानव के ऊपर सबसे पहले क्या था, पर्यावरण को, क्या पर्यावरण का अपने आप को क्या मानता था, दास मानता था अपने आप को। ठीक है, अत्यधिक प्रभाव था और प्रकृति की क्या करता था, मानव पूजा करता था। तो आगे है, मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। पहले उस टाइम क्या था, मानव ने अपने आप को ढाल लिया था प्रकृति के अनुसार ही। मानव की सामाजिक अवस्था आदिम थी। सामाजिक अवस्था भी क्या थी, आदिम थी। वो आदिम तरीके से ही अपना जीवन यापन करता था। मानव प्रकृति का दास था। मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था। मानव का क्या है, प्रकृतिकरण हो रहा था। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया था। ये भी आपको करवाया था क्वेश्चन, जब आप लेसन पढ़ रहे थे तब हमने ये निश्चयवाद की डेफिनेशन और ये किए थे। डेफिनेशन के अंदर हमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, एक तो किस किस की थी, एक तो रेट जेल की थी, एक एलन सी शेपल की थी। इन्होंने के पर्यावरणीय निश्चयवाद का अपने जो नाम दिया था, इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद नाम दिया था। आगे इसी का है, उसमें एक अपन ने क्या पढ़ा था, एक उदाहरण के रूप में, एक छोटी सी कहानी के रूप में अपन ने पढ़ा था। उसका छोटा सा अंश है ये। इसमें आंसर में क्या है, आंसर राइटिंग के अंदर छोटे, अब थोड़ा उस लेसन में क्या होता है, विस्तृत रूप से आपको बताया होता है। आंसर राइटिंग में अपने को कितने वर्डों में आंसर लिखना है उसके अनुसार, मतलब क्या करना होता है, कम शब्दों में और अच्छा लिखना होता है। तो इसमें वो उदाहरण है, उसकी छोटी सी संक्षिप्त जानकारी इसमें यहाँ लिख देनी है। उदाहरण के तौर पर बेंदा भारत का अबुझ माड़ वनों में रहता है, जो मध्य भारत में है। वह एक छोटी लंगोटी पहने हाथ में कुल्हाड़ी लिए फिरता है। उसका कबीला क्या है, कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। पहले क्या होता था, स्थानांतरित कृषि किसको बोलते थे, एक स्थान पे कृषि करके फिर वहाँ से उस स्थान को छोड़ के आगे, मतलब जगह साफ करके और वहाँ कृषि करते थे, वो हो जाती थी स्थानांतरित कृषि। वह वनों में छोटे छोटे टुकड़े कृषि के लिए साफ करता है। वह नदी से जल प्राप्त करता है। वह गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। तो इसमें, इस कहानी के द्वारा हमें जो समझाया गया था कि मानव क्या है, प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ था आदिम काल के अंदर। अब इसमें ये दे दिया उदाहरण के रूप में, इसको फिर आगे लिख देना है अपने को। उपरोक्त उदाहरण एक कबीले का प्रकृति के साथ संबंध प्रकट करता है। इस प्रकरण में प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ क्या, उस टाइम क्या थी प्रकृति, क्या थी, शक्तिशाली थी, पूज्य थी, सत्कार योग्य और संरक्षित थी। मानव प्राकृतिक साधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता था। प्रत्यक्ष रूप का क्या मतलब हो गया, मतलब सीधा वहीं से सारा कुछ प्रकृति से ही प्राप्त करता था, सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। जैसे आजकल जो चीज़ें हैं, जैसे आजकल हम कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या है, सीधे प्रकृति से नहीं जुड़े हुए, जैसे मशीनरी से उनका उत्पादन किया जाता है, मतलब उसके मशीनरी में से धागे निकालते हैं, फिर उसके अनुसार अब कपड़े आगे से आगे बुनते चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। और
ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है, इसलिए प्रकृति को क्या मानते थे पहले वाले, माता मानते थे। ये इसका आंसर हो गया 150 शब्दों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव के विषय भूगोल के विषय क्षेत्र पर क्या लिखनी है, एक टिप्पणी लिखनी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे देंगे, मानव भूगोल की प्रकृति, यह हेडिंग डाल के आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति का उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानव जीवन को समझना है। ये क्या करना है, विभिन्नताओं के बीच में रह के मानव जीवन को समझना है। ये अंतर भूगोलिक वातावरण के कारण मिलते हैं। मानव और भौतिक वातावरण का संबंध सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देता है। इससे क्या है कि संस्कृति क्या होती है, वहाँ का क्या खान पान है, रहना सहना कैसा है, वो क्या है, सांस्कृतिक के अंदर आ जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे होते हैं उनमें क्या अपनी अपनी संस्कृति दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, सांस्कृतिक वातावरण। मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, तो इसमें आगे ये जैसे पॉइंटों में अपने इसको डिनोट कर दिया। अभी मानव भूगोल का उद्देश्य एवं प्रकृति के संबंध में पाल विडाल डी लाबलास का कथन है। तो पाल विडाल डी लाबलास की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, आपको ये सारी चीज़ें चैप्टर में करवा दी गई हैं, तो इसमें क्या आपको सीधा उसकी परिभाषा लिखनी थी। इसमें एक पॉइंट में इसकी परिभाषा लिख देते हैं, उसके द्वारा उसको बता देते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके व्यवसायों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल संसाधनों के उपयोग द्वारा व्यवसायों के आर्थिक संस्थाओं, उद्योगों, परिवहन, संचार साधन तथा मानवीय बस्तियों के वितरण का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट है मानव भूगोल का अध्ययन मानवीय पारिस्थितिकी का व्यापक अध्ययन है। मानव भूगोल का अध्ययन क्या है, मानवीय पारिस्थितिकी का व्यापक अध्ययन है। पारिस्थितिकी जैसे पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता, उसी तरह पारिस्थितिकी का यहाँ पे लिया गया है। मानव जो आप साइंस के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ते होंगे, उस मानव भूगोल में प्रकृति वातावरण का मानवीय जीवन और उसकी क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन। आगे तीन नंबर पॉइंट हो गया, मानव भूगोल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक तथा कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल क्या करता है, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक तथा कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। ये चीज़ें क्या हैं, अपन लेसन में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस भी हो चुकी है। तो ये क्या है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसमें से आपको बुक के चैप्टर में से निकाल के आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे क्या है, मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, परंतु यह वातावरण का अंग नहीं है। वातावरण मानव है सक्रिय भौगोलिक कारक, लेकिन क्या है, वातावरण का अंग नहीं है। वातावरण में तो ये सारा कुछ आ जाता है, जलवायु हो गई, पेड़ पौधे, ये सारे आ जाते हैं। मानव की स्थिति केंद्रीय है, मानव की स्थिति क्या है, केंद्रीय, मानव केंद्र बिंदु में रहता है। मानव अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। प्राकृतिक वातावरण को क्या कर देता है मानव, परिवर्तन कर देता है, और फिर क्या है उसमें, उससे सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये अपने पढ़ा, तो ये हो गया अपना बच्चों चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। और आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे बुक में से हो जाएंगे, आपको गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे के जो अब इसको क्या है, रिवाइज करना है आपको, जैसे ये राइट एंड लर्न करके और आगे आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। हो सकता है आपके अगली क्लास में इसका टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, आपको इसलिए चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करके रखना है आपको, और कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट भी करवा सकते हैं, अभी चल रही है इस पर। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।